हापुड़ के विभिन्न इलाकों में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक प्रतिमा त्यागी ने गुरुवार को पुलिस बल के साथ लुका छिपी अभियान चलाया और पार्कों में रंगरलियां मना रहे जोड़ों को पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और परिजनों को मामले से अवगत कराया। पकड़े गए युवक और युवतियों से पुलिस ने शपथ पत्र भी लिया और भविष्य में ऐसा ना करने की सख्त हिदायत दी। हापुड़ के लोहिया पार्क में घूम रहे युवक और युवतियों को पुलिस ने समझाया और कहा कि बेवजह पार्क में ना घूमें। इस दौरान शरारती तत्व पर भी पुलिस ने नकेल कसी। पुलिस को देखकर पार्क में हड़कंप मच गया, कई तो झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। इस दौरान जोड़ों ने पुलिस के आगे हाथ जोड़कर परिजनों को कॉल ना करने की मिन्नतें की, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और परिजनों को मामले से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए अभियान लुका छिपी के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की और 3 युवती समेत पुलिस ने कुल मिलाकर 18 लोगों को पकड़ा, जिनके परिजनों से बातचीत करने के पश्चात ही उन्हें छोड़ा गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान दरोगा जयप्रकाश उपाध्याय, दरोगा राजवीर गौतम, हेड कांस्टेबल मनीषा चौधरी, सिविल में महिला कांस्टेबल तैनात रहीं। इसी के साथ पुलिस ने गार्डों को भी सख्त हिदायत दी कि इस तरह माहौल खराब ना हो।